नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। 27 सितंबर को भारत बंद, बिहार में महागठबंधन भी बंद कराने सड़क पर उतरेगा। पटना में दलित छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार में 133 BDO की निकली वैकेंसी, 88 SDM और ADM के भरे जा रहे हैं पद, आगे जाने कहां करें आवेदन। जातिगत जनगणना को लेकर लालू ने फिर बोला BJP RSS पर हमला, पूछा पिछड़ों और अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों। सारण में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किया उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा, 20 अक्टूबर को विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। तीसरी लहर के खतरे के बीच दरभंगा में एक ही परिवार से मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। 27 सितंबर को भारत बंद है, किसान आंदोलन के समर्थन और नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। बिहार में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि महागठबंधन भी इस बंद को सक्रिय तरीके से अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद भारत बंद का महागठबंधन सक्रिय समर्थन करेगा, यह तय माना जा रहा है कि बिहार में बंद का असर देखने को मिलेगा। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई। बैठक में महागठबंधन ने 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद का सक्रिय समर्थन करने का फैसला किया है। नेताओं ने कहा कि महागठबंधन मजबूती के साथ अन्नदाताओं के साथ है। बैठक में शामिल राजद, कांग्रेस, माली, CPI और CPM नेताओं ने NDA सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पटना में पुलिस ने दलित छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। अंबेडकर कल्याण छात्रावास संघ के कार्यकर्ता हॉस्टल खाली कराने का विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गौरतलब हो कि अंबेडकर छात्रावास खाली कराने के विरोध में 25 सितंबर को पूरे बिहार के दलित छात्र और अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्र राजधानी में आंदोलन का ऐलान किया था। ऑल बिहार अंबेडकर कल्याण छात्रावास संघ के अध्यक्ष अमर आजाद ने अंबेडकर छात्रावास को खाली कराने का आदेश वापस लेने के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और SC आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर छात्रावास खाली कराने का आदेश वापस नहीं हुआ तो पटना में बड़ा आंदोलन होगा। संघ का कहना था कि पूरे बिहार के हजारों दलित आदिवासी छात्रों को इससे परेशानी होगी, राज्यभर के छात्रावासों में गरीब छात्रों की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। संघ का कहना है कि प्रशासन द्वारा छात्रावास खाली नहीं कराने की स्थिति में प्रमाण पत्र को रद्द करा देने की धमकी दी जा रही है। संघ का कहना है कि अभी पूरे बिहार में छात्रों की परीक्षा चल रही है, ऐसे में अंबेडकर कल्याण छात्रावास खाली कराने से परेशानी होगी। अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। BDO के 133 SDM, ADM और सीनियर डिप्टी कलेक्टर के 88 पदों को भरने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने शुक्रवार की देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। BPSC की ओर से 555 पदों पर नियुक्ति के लिए 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू की जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले तक विभाग ने आने वाली वैकेंसी को इसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसे में संशोधन होने पर सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक स्नातक पास होने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जातिगत जनगणना से केंद्र सरकार के इनकार के बाद लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से BJP और RSS पर बड़ा हमला बोला है। RJD सुप्रीमो ने सवाल किया है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों से BJP और RSS को इतनी नफरत क्यों है। लालू प्रसाद ने कहा कि जातिगत जनगणना राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण पहल है। भाजपा चाहती है कि देश में आर्थिक सामाजिक असमानता बनी रहे ताकि मुट्ठी भर लोग देश की बहुसंख्यक आबादी का हक, अधिकार और हिस्सा खाते रहें और संशोधनों पर कुंडली मारे बैठे रहें। लालू ने जातीय जनगणना को लेकर एक ट्वीट किया है और BJP पर जमकर हमला बोला है। इसमें पहले भी लालू ने एक सवाल किया था कि पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है।
बिहार में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों के विस्तार के अगले चरण में सारण जिले के एकमा अनुमंडल के मुख्य डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरुआत की गई। इस सेवा केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, एकमा विधानसभा से विधायक श्रीकांत यादव, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार, पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अदनान अहमद उपस्थित रहे। यह पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बिहार का 34वां और सारण प्रमंडल का दूसरा पासपोर्ट केंद्र है। बता दें कि केंद्र सरकार की देश के हर लोकसभा में पासपोर्ट केंद्र खोलने की योजना है। पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए आर के सिंह ने कहा कि यह सेवा केंद्र क्षेत्र के लोगों की परेशानी दूर करेगा और इन्हें पासपोर्ट बनाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को पटना आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी है। दिल्ली दौरे से वापस आए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर राष्ट्रपति का कार्यक्रम मिले जाने की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी तैयारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा की। राष्ट्रपति के सम्मान में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अपने आवास पटना में रात्रि भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति का कार्यक्रम तय होने के बाद विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में विधानसभा की नियमन समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति की बैठक भी हुई है। बैठक में राष्ट्रपति कोविंद के पटना आगमन और कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार के दरभंगा में कोरोना संक्रमित का पहला मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 3 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। इस खबर से आसपास के इलाके में दहशत गहरा गया है। हालांकि अभी भी आमजन कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह बेखौफ नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस बाबत जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश पर नगर निगम प्रशासन ने वार्ड 19 स्थित संबंधित संक्रमित दुकान व आवास को बांस बल्ला से सील कर प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर लगा दिया है। इससे पूर्व निगम कर्मियों ने दुकान व आवास को सैनिटाइज किया, चुना ब्लीचिंग का छिड़काव भी किया है। बिहार में आज अनलॉक 6 की मियाद पूरी हो रही है और कल से बिहार सरकार ने अनलॉक के 7वें फेज का ऐलान कर दिया है। अनलॉक 7 के नियम कानून को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार विशेषकर दुर्गा पूजा और अन्य पर्व त्योहार को लेकर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। नीतीश सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक इस बार लोगों को दुर्गा पूजा में कोरोना के टीकाकरण संबंधित सर्टिफिकेट लेकर मेला घूमने जाना होगा। शुक्रवार को बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने को लेकर अनलॉक 7 का ऐलान किया है और इसकी गाइडलाइन जारी की गई है। इस नई गाइडलाइन में दुर्गा पूजा और मेला को लेकर साफ साफ यह लिखा गया है कि किस स्थिति में जिले के DM दुर्गा पूजा में पंडालों और मेला की अनुमति देंगे। CM नीतीश ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार में आएंगे उनके लिए कोविड जांच जरूरी है। मतलब साफ है कि बिहार में जो लोग दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के मौके पर आएंगे वह कोविड जांच जरूर कराएंगे। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा के बाद दीपावली एवं छठ में काफी भीड़ रहती है, इसीलिए इन त्योहारों पर एहतियात बरतने और भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के उपायों का प्रयोग करने के लिए कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर लिखा है कि आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस और भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य कोविड जांच कराई जाएगी। बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 66,104 पंचायती राज और नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 8,36,23,04,660 की राशि जारी की है। इनमें से इन शिक्षकों के अगस्त से नवंबर तक के वेतन का भुगतान किया जाएगा। जानकारी हो कि बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 3,23,000 शिक्षक पंचायत, प्रखंड और नगर शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 66,104 नगर, प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार की निधि से होता है, जबकि बाकी प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन समग्र शिक्षा अभियान मद से होता है। इस वित्तीय वर्ष में 66,104 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कुल बजट 26
20,13,20,41,000 रुपये का है। इसी राशि में इन शिक्षकों के अगस्त से नवंबर तक के वेतन के लिए 8,36,23,04,660 रुपये खर्च की स्वीकृति शिक्षा विभाग ने दी है। उच्च शिक्षा में राज्य के 39 संबंध डिग्री कॉलेजों को सरकार 249 करोड़ रुपये देगी। यह राशि संबंध डिग्री कॉलेजों को स्नातक शैक्षणिक सत्र 2009-12 और 10-13 में छात्र छात्राओं के श्रेणी व रिजल्ट के आधार पर अनुदान के रूप में सरकार की ओर से दी जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए 75% अटेंडेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी 2,10,00,000 छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि दी जाती है। नीतीश सरकार ने अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। 30 कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि साल 2021-22 के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 75% हाजिरी के बगैर भी छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना का लाभ मिल पाएगा। हालांकि यह व्यवस्था केवल 1 साल के लिए की गई है। कैबिनेट ने जिन प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें यह शामिल था, दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस साल स्कूल ज्यादातर दिनों में बंद ही रहे, लिहाजा अटेंडेंस की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।